हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोगों को सुस्वागत, जय श्री नमस्ते। तो आज था छुट्टी का क्रिस्टी का एग्जीबिशन है, वहाँ पे आए हुए हैं। तो ये एरिया कुछ ऐसा है क्रिस्टी का स्कूल, तो वो देखो आप। यहाँ से होता है स्टार्ट एग्जीबिशन। इधर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं और ऐसा पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ है, और क्रिस्टी ने भी कुछ बनाया है, वो भी देखने को मिलेगा। क्या क्या ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट QR कोड रखो। डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट टाइप कुछ है गाइस। गेम खेलने के डाले डाले दीदी को ही। हाँ ना, बहुत वो है। सेट यार, अभी भी नहीं गया। थैंक यू भैया। दीदी चॉकलेट। यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है और आगे भी कुछ कुछ है, तो दिखाते हैं वो। यस, गुड मॉर्निंग। दुल मुल्की, ये मस्त लग रहा है जी। क्या देख रही है? अरे क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पानी से बिजली पैदा होती है। आप देख सकते हैं कि डैम एंड डैम से पानी आता है, टर्बाइन है, घूमता है, रोटेट करते हैं, जिससे बिजली पैदा होती है। इंडस्ट्रीज और गांव में जाती है। आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील इंडस्ट्री बनाई है, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 में जमशेदजी रुसरवाल जी टाटा के द्वारा। तो जो डैम, उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि बाढ़ से रोकता है, बाढ़ से बचाता है, बहुत सारे नौकरियां बनाता है, जॉब क्रिएट करता है, और साथ ही जो खेती है उस पर बहुत इसका काम आता है। क्योंकि जैसे कि बहुत सारे फायदे होते हैं, नुकसान भी उतने ही होते हैं। बाढ़ से बचाता है, बाढ़ ला भी सकता है, ओवरफ्लो हो जाता है डैम तो बाढ़ आ सकती है उससे।
इसका जो प्राइस है कॉस्टिंग है बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसे बनाने में। और जो अर्थ की जो घूम रहा है अर्थ कंपनी उसकी स्पीड को भी कम कर रहा है। ये रहा आपका संस्कृति टाइप छोटा नागपुर ट्राइबल कल्चर, यही तो मजे है। बजा रहे अपना नागपुरी, एक आध बार तो बजा दो मजा आ जाए। तो कुछ ऐसा है जो छोटा नागपुर को कल्चर, तो ये छोटा नागपुर का कल्चर वॉटरफॉल बना रखा है जो बहुत सेक्सी सा लग रहा है गाइस। और ये सब क्या है? ये सब ये नपकाना है, ये कोचाई है, ये नपकाना को काट के यहाँ रखे हैं। हाँ। और ये जो है ये जड़ी बूटी है जो पेट दर्द सबका दूर कर सकता है, इसको खा के ना पेट दर्द हर का बिल्कुल खा सकते हैं आप। और ये चल रहा है इनका। तो ऐसा होता है छोटा नागपुर का सारा, तो यही है जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ऐसा। तो और इधर पे गाइस एक छोटा सा वाटरफॉल है जो बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर है। और ये सारे नागपुर जो छोटा नागपुर में रहते हैं ऐसे नागपुरी को जो कर रहे हैं वो ऐसा ये डिज़ाइन बनाया जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, तो यहाँ पे इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। और जो यहाँ पे एग्जीबिशन है मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस एग्जीबिशन में देख के, और इनके डांस के तो क्या ही कहने का है, मज़े ही मज़े।
से बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ पे, और कल दोबारा है यहाँ पे तो कल जरूर आएंगे हम लोग देखने के लिए, और बहुत मजा आया। कल शायद स्टेज पे डांस होने वाला है, वो सारी चीजें हम वो सारा कवर करेंगे और अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया हुआ है, और ये देख रहे हैं गेटअप, तो इधर का एग्जीबिशन चेक करते हैं एक बार। गाइस बहुत सारे एग्जीबिशंस हैं जो हम देखते देखते थक जा रहे हैं। चल भाई हैं कुछ कुछ, वेलकम टू ट्रैफिक। वेरी गुड, ये सिक्स क्लास के बच्चों ने बनाया गाइस, तो देख रहे हैं आप। अच्छा लग रहा है योगा क्लासेस क्या मालूम। तो यहाँ पे योगा का एग्जीबिशन है, तो ये योगा क्लासेस हो रहे हैं यहाँ पे। चल स्पोर्ट्स तो ये थोड़ा टेक्नोलॉजी टाइप है गाइस, साइबर वर्क है यहाँ पे, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइस। और यहाँ पे थोड़ी टेक की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी टेक। तो हम पहुँच चुके हैं स्टेज की तरफ, इधर स्टेज और मज़ेदार है। वैसे सारे कवर कर नहीं हो पा रहे हम लोगों से, जो बहुत ज़्यादा रस है गाइस, देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा रस है। और स्टेज के पास हम लोग, और इधर चल रहा है बच्चों का डांस, और यहाँ पे गाइस कॉपीराइट पड़ने वाला है। तो यहाँ पे पड़ जाएगा कॉपीराइट, और इधर कुछ प्यारे प्यारे चीजें बना रखी हैं। और ये
पैक 50 का वो लगा हुआ है और ये रहा स्टार्टअप कुछ ऐसा और क्रिस्टी के लिए और जो क्रिस्टी का बना हुआ था वो देखते हैं। यहाँ पे ये छोटे बच्चों का है गाइस, हमारी क्रिस्टी रानी का कहाँ है देखते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे भी नहीं है, आगे वाले पे है शायद गाइस, चलते हैं आगे वाले पे। क्रिस्टी का रूम देखते हैं गाइस, कहाँ दीदी। तो ये रहा अरे यार छोटी मुंडी ज्यादा पीछे नहीं आ गया लग रहा है, अब उसको वैसे रख दिया जाए। ये रहा जो बनाया हुआ था क्रिस्टी का और बहुत से लोगों ने बनाया गाइस अच्छे अच्छे, पर ये लग रहा है हम लोगों का बनाया हुआ एकदम सुंदर। हमने बनाया था सुंदर ही लगा, ये बना रखा है गाइस, इसको हम लोग ने बहुत मेहनत से बनाया है, पूरी रात मेहनत की है इसको बनाने में। और भी हैं, सबसे बड़ा अपनी तितली है दीदी, ये पीछे बना है, ये अच्छा सा कर देता है मस्त। हाँ ये भी अच्छा बना, बटरफ्लाई उसके सही नहीं बने, बटल्स शिनचैन शिनचैन। ये पॉट अच्छा लग रहा है भाई, क्रिस्टी आओ खड़ी हो, कौन बनाया इसको क्रिस्टी, कौन बनाया इसको किसके लिए बनाए हैं? बोले ये मेरा वाला है, बोलो ये तितली किसके है, किसका वाला है? आपका वाला है। तो यही था, तो हम लोग लगा तो ब्लॉग खत्म होने वाला है, इस पर नहीं होगा। गाइस एग्जीबिशन ऐसा था और अभी हम बाहर, ये रहा बाहर और दीदी लोग भी इधर ही हैं और चलते हैं अब घर, क्योंकि अब देख लिया बस एक ही पसंद आया वो था छोटा नागपुर वाला, जो पसंद आया हम लोगों को सबसे ज्यादा है ना छुट्टी, छोटा नागपुर वाला ज्यादा मजा आया, बहुत अच्छा लगा ट्राइबल कल्चर। और कल देखते हैं, कल शायद फिर से आना होगा क्योंकि कल डांस वगैरह कुछ फंक्शन होने हैं, तो वो होने वाला है, तो कल आते हैं। ये छोटा सा ब्लॉग देख के अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं कोई अगले न्यू से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।